असल टुडे आई विल एक्सप्लेन चैप्टर फाइव चैप्टर नेम इज़ फैक्टर एंडोमेंट्स एंड देक्शर ओलन थेरी एंड दिस चैप्टर इज़ फ्रॉम द बुक ऑफ डोमिनिक सेल्वाटोर एंड हेयर आई विल एक्सप्लेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थेरी दैट्स नेम इज़ हेक्शर ओलन थेरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इस थेरी को फैक्टर एंडोमेंट थेरी भी कहा जाता है इस थेरी को फैक्टर प्रोपोर्शंस थेरी भी कहा जाता है और इसी थेरी को मॉडर्न थेरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है तो ये थेरी इनफैक्ट दो इकोनॉमिस्ट जो हैं एक का नाम एली हैक्शर और दूसरा बर्टल ओहलन इन दोनों की कलेक्टिव एफर्ट का नतीजा है और ये दोनों स्वीडिश इकोनॉमिस्ट हैं तो इस थेरी का बेसिक थीम ये है कि वो मुल्क जिसमें लेबर जो है वो इन अबंडेंस पाई जाती है इन अबंडेंस से मुराद ही होती है कि वाफर मकदार में पाया जाना तो जिस मुल्क में लेबर जो है वो वाफर मकदार में पाई जाती है तो उस मुल्क को चाहिए कि वो लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाए और उनको एक्सपोर्ट करे और कैपिटल इंटेंसिव गुड्स जो हैं वो उनको दरामद करे और जिस मुल्क में कैपिटल इन अबंडेंस पाया जाता है यानी कैपिटल बर्डन से मुराद के कैपिटल वाफर मकदार में पाया जाता है और जो चीज़ वाफर मकदार में हो वो सस्ती भी होती है तो उस मुल्क को चाहिए कि वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाए कैपिटल इंटेंसिव से मुराद ये होती है कि ऐसी चीज़ें जिसमें कैपिटल का यूज़ ज़्यादा हो तो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाए और उन्हें एक्सपोर्ट करे और लेबर इंटेंसिव गुड्स जो है अगर उसके पास लेबर वाफर मकदार में नहीं है तो ज़ाहरी बात है महंगी बनेगी तो उनको उन लेबर इंटेंसिव गुड्स को उन ममालिक दरामद करे जो सस्ती बनाते हैं इस तरीके से दोनों ही जो हैं वो फ़ायदे में रहेंगे और इंटरनेशनल ट्रेड का जो बेनिफिट है वो इंटरनेशनली पूरी वर्ल्ड को मिलेगा तो इसमें मज़ीद ये है कि उन्नीस सन उन्नीस में एली हैक्शर जो है उसने एक आर्टिकल लिखा था और उसमें जो है ये जो हैक्शर ओलन थेरी है इसकी शुरुआत की थी उसके बाद इसका एक स्टूडेंट था बर्टल ओहलन उसने उन्नीस में एक बुक लिखी और जिसमें बकायदा तौर पे हैक्शर ओलन मॉडल जो है वो पेश किया गया और आज कल की दुनिया में जो है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो ये जो है, हैक्शरोलन मॉडल है इस सिलसिले में डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको अलग-अलग तौर पे अ, मैं एक्सप्लेन करूँगा और उन पे आई विल ट्राई के अलग अलग वीडियोस बने बन जाएं और इंडिपेंडेंटली आप लोग उन्हें सुने तो अगर एक ही सेशन में ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएं तो वो अ, एक बहुत अ, लंबा सिलसिला हो जाएगा तो इसमें अलीहदा तौर पे आई विल एक्सप्लेन के जो है रिसोर्स या फैक्टर अब, अबंडस क्या होता है इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे उसके बाद लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव गुड्स क्या होती हैं इसको भी थेरेटिकली और डायग्रामेटिकली देखेंगे उसके बाद जो है जो, है जो हैक्शरोलन थेरी है इसको जो है वो ग्राफिकली और डायग्रामेटिकली देखेंगे कि ये थेरी क्या है और इससे एफिलिएटेड और भी टॉपिक्स हैं जिनको वन बाय वन डिस्कस किया जाएगा फिलहाल आज के सेशन में जो हैक्शर ओलन मॉडल है इसकी जो बेसिक असम्पन्स हैं आ, उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज ये जो असम्पन्स हैं दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट और ये जो हैक्शल ओलन मॉडल है ये इसकी बुनियाद इन्हीं असम्पन्स पे है और एज़ यू नो के जो असम्पन्स होती हैं वो किसी भी थेरी का बेसिक पार्ट होती हैं सो थेरी को समझने के लिए असम्पन्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आप समझें कि आपने आधी थेरी जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी उसमें क्लैरिटी आ चुकी है तो इसकी जो असम्पशनज़ हैं देर आर एलेवन असम्पन्स तो इनको वन बाई वन मैं पढ़ता हूँ और इनको मैं इनकी इंटरप्रिटेशन भी कर देता हूँ तो हैक्शर ओलन मॉडल की फर्स्ट असम्पन ये है कि देर आर टू नेशंस नेशन वन एंड नेशन टू टू कमोडिटीज कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई एंड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेबर एंड कैपिटल जी बहुत ही आसान असम्पन है इसमें यह सपोज किया हुआ है कि दो नेशंस हैं नेशन वन और नेशन टू सपोज कि हम एक नेशन यूके सपोज इसमें की हुई है और एक यूनाइटेड स्टेट्स वैसे तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो एक मलक कई एक के साथ करता है एक मलक जो है वो कई एक ममालिक एक्सपोर्ट्स कर रहा होता है उनसे इम्पोर्ट्स कर रहा होता है लेकिन आसानी के लिए यहाँ पे हैक्शरोन मॉडल में सिर्फ दो नेशंस या दो कंट्रीज़ सपोज किए हुए हैं और वो एक उन एक उनमें से यूके है और सेकंड यूएसए है जी उसके बाद टू कम्योडिटीज़ कम्यूडिटी एक्स एंड कम्योडिटी वाई प्रैक्टिकली जो है एक मुल्क सैकड़ों हज़ारों कई दफ़ा बड़ी इकोनॉमीज़ जो हैं वो लाखों गुड्स की ट्रेड करती हैं लेकिन यहाँ पे आसानी के लिए सिर्फ दो गुड्स एक्स और वाई सपोज की हुई हैं जिनकी आ, ट्रेड होगी जी एंड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेबर एंड कैपिटल Uh, वैसे चार लेबर्स सॉरी uh, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन लेकिन यहां पे दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लेबर एंड कैपिटल सपोज किए हुए हैं दैट इज फर्स्ट असम्पन नो सेकंड असम्पन बोथ नेशंस यूज द सेम टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन जी दो नेशंस हैं यूएसए एंड यूके दोनों ममालिक जो हैं वो जो है दो चीज़ों की प्रोडक्शन में जो है वो सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं एक नेशन जो है वो ऐसी चीज़ बनाती है जिसमें लेबर का यूज़ ज़्यादा होता है और एक नेशन ऐसी चीज़ बनाती है जिसमें कैपिटल का यूज़ ज़्यादा होता है लेकिन वो टेक्नोलॉजी सेम ही यूज़ करती हैं ये नहीं है कि एक मुल्क की टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है और दूसरे मुल्क की आउटडेटेड या पुरानी टेक्नोलॉजी है जी थर्ड असम्शन है कॉमोडिटी एक्स इज़ लेबर इंटेंसिव एंड कॉमोडिटी वाई इज़ कैपिटल इंटेंसिव इन बोथ नेशंस जी कॉम्योडिटी एक्स जो ऊपर हमने दो कम्योडिटी स्पोज की हैं उनमें से जो एक एक्स कॉम्योडिटी है वो लेबर इंटेंसिव है इससे मुराद यह है कि एक्स शय वो शे है कि जिसको बनाने में लेबर जो है उसका यूज़ ज़्यादा होता है लेबर के यूनिट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं जबकि कैपिटल का यूज़ कम होता है अच्छा जी एंड कॉमोडिटी वाइज कैपिटल इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव गुड से मुराद ऐसी गुड है कि जिसमें कैपिटल का यूज़ ज्यादा होता है कैपिटल की परसेंटेज ज्यादा है कैपिटल का शेयर ज्यादा है जबकि जो लेबर है उसका यूज़ है लेकिन कम है कैपिटल की नस्बत बहुत कम है सो एक्स इज़ लेबर इंटेंसिव गुड और वाई इज़ कैपिटल इंटेंसिव गुड तो जी फोर्थ असम्पशन है बोथ कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड अंडर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इन बोथ नेशंस जी ये जो दोनों चीज़ें हैं एक्स और वाई और इसमें दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड और लेबर यूज होते हैं तो हर बार जब लैंड और लेबर के यूनिट्स लगाए जाते हैं तो उनकी एफिशिएंसी सेम होती है ओके तो कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब ये होता है कि जब आप लेबर और कैपिटल को के नए यूनिट्स लगाते हैं तो हर बार उनकी एफिशिएंसी सेम होती है तो एक असमशन ये है नंबर फाइव देयर इज इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन इन बोथ नेशंस जी इसका मतलब ये है कि दोनों नेशंस जो हैं एक यूके और एक यूएसए दो चीज़ें बनाती हैं x और y तो दोनों चीज़ों में जो है वो दोनों में से एक चीज़ में एक मुल्क को स्पेशलाइजेशन नहीं है यानी ऐसा नहीं है कि एक नेशन जो है वो सिर्फ x गुड जो है उसमें उसमें स्पेशलाइज़ किया हुआ है और सिर्फ वही x गुड ही बनाती है और y गुड नहीं बनाती ऐसी बात नहीं है बल्कि जिस मुल्क में लेबर इन अबंडेंस है वाफर मकदार में है सस्ती है वो लेबर इंटेंसिव गुड बनाएगी ऐसी गुड बनाएगी कि जिसमें लेबर का शेयर ज़्यादा है लेबर की परसेंटेज ज़्यादा है लेकिन साथ ही वो वाई गुड भी बनाएगी यानी ये नहीं है कि उसने सिर्फ एक्स गुड को बनाने में ही स्पेशलाइजेशन की हुई है और एक्स गुड ही बनाती है और वाई गुड नहीं बनाती ओके इसी तरह दूसरी नेशन है जिसको जो कि कैपिटल इंटेंसिव गुड यानी कि वाई बना रही है कि जिसमें कैपिटल uh, का परसेंटेज शेयर ज़्यादा है वाई चीज़ की प्रोडक्शन में कैपिटल को ज़्यादा यूज़ किया जाता है और लेबर भी यूज़ होती है लेकिन कम यूज़ होती है तो वाई गुड जो है नेशन टू वाई गुड बनाती है तो यानी वो ये नहीं है कि सिर्फ वाई गुड को बनाने में ही उसने स्पेशलाइजेशन की हुई है वो एक्स गुड भी बनाती है एक्स गुड कम बनाती है और वाई गुड ज्यादा बनाती है सो so, हम ये कहेंगे कि इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन है या पार्शल स्पेशलाइजेशन है ओके okay? और कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं है नंबर सिक्स है टेस्ट आर इक्वल इन बोथ नेशंस दोनों जो नेशंस हैं यूएस एंड यूके वहां के लोग जो हैं जो एक्स और वाई गुड्स जब यूटिलाइज करेंगे तो उनके जो टेस्ट हैं दोनों गुड्स के लिए वो सेम है ओके okay? जी नंबर सेवन है नंबर uh, सेवन है देर इज़ परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऑन बोथ कॉम्यूडिटीज एंड फैक्टर मार्केट्स इन बोथ नेशंस जी ये एक इंपॉर्टेंट असम्शन है परफेक्ट कॉम्पिटिशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जिसकी पाँच छह कॉन्डिशन होती हैं और जिस मार्किट में वो uh, छः की छः कॉन्डिशन्स पाँच या छः कॉन्डिशन्स पाई जाती हों वो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट होती है अगर एक कंडीशन भी उसमें से एबसेंट हो तो वो इम्परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट होती है तो यहाँ इसकी वजाहत ये है कि बोथ कमोडिटीज़ और फैक्टर मार्केट्स में परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है बोथ कमोडिटीज़ हमने कौन सी सपोज की हुई हैं कितनी सपोज की हुई हैं दो एक्स और वाई तो एक्स और वाई की वाई जो कमोडिटीज़ हैं जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें जो हैं वो सेम हैं उनकी कीमतों पे जो कंज्यूमर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं वो कीमतों पे असर अंदाज नहीं हो सकते ओके okay? बल्कि सिर्फ जो मार्केट है वो कीमतों को डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। तो इसी तरह जो फैक्टर मार्केट है हमने दो फैक्टर्स सपोज़ किए हुए हैं कि लेबर और कैपिटल लेबर जो है उसका रिवॉर्ड वेजेस होता है और कैपिटल का रिवार्ड जो है वो इंटरेस्ट होता है तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं इनके जो रिवॉर्ड्स हैं यानी वेजेस और इंटरेस्ट इनकी प्राइसेस भी जो हैं वो जो हैं बायर्स और प्रोड्यूसर्स वो उन पर असरानंदाज नहीं हो सकते बल्कि मार्कीट ही ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्स उनकी कीमतों को डिसाइड करेगी तो इसको कहा जाता है कि देर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन बोथ कॉमोडिटीज एंड फैक्टर मार्केट इन बोथ नेशन जी आठवीं असम्शन है देर इज परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी विद इन ईच नेशन बट नो इंटरनेशनल फैक्टर मोबिलिटी जी अब हमने यहां पे दो फैक्टर्स सपोज किए हुए हैं जो है उनमें से एक लेबर है और दूसरा कैपिटल है तो इनकी इन दोनों फैक्टर्स की जो मोबिलिटी है वो विद इन कंट्री जो है वो परफेक्ट मोबिलिटी है यानी जो दोनों फैक्टर्स हैं लेबर और कैपिटल ये एक प्रोडक्शन के प्रोसेस से दूसरे प्रोडक्शन के प्रोसेस में जा सकती हैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में ये दोनों फैक्टर्स यानी कि लेबर और कैपिटल ये मूव कर सकते हैं लेबर जहाँ पे उसको ज़्यादा वेजिज़ मिलेंगी फैसिलिटी ज़्यादा होंगी वो उस फर्म में जाएगी तो इसी तरह कैपिटल जो है कैपिटल ये जो है ये भी इंसानों की ओनरशिप में होता है तो इंसान जो है अपना जो कैपिटल है उसको वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे जहाँ से उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा ज़्यादा मिलने के इम्कान होते हैं सो लेबर और कैपिटल जो फैक्टर्स हैं ये मुल्क के अंदर तो इनकी मोबिलिटी है बट इंटरनेशनली जो है ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ये जो फैक्टर्स हैं यानी लेबर और कैपिटल ये मूव नहीं कर सकते इंटरनेशनली इनकी जो फैक्टर मोबिलिटी है वो नहीं है नंबर नाइन्थ है देर आर नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टैरिफ्स और अदर ऑबस्ट्रेक्शनस टू द फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जी इससे मुराद ये है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कोई नहीं है सपोज़ के एक सिटी में एक इलाके में कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो उसको दूसरे इलाके में जब उसको ले जाना होता है तो वो बाई एयर जाती है बाई अगर सी हो तो समंदर के ज़रिए शिप के ज़रिए जाती है बाई ट्रेन जाती है या बाई रोड्स ट्रक्स के ज़रिए जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जाती है तो कई कंट्रीज़ जो हैं उसमें जो है वो दो, -दो तीन तीन हज़ार किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो चीज़ की कॉस्ट में इंक्लूड कर, कर दी जाती है और उस चीज़ की कीमत इंक्रीज़ हो जाती है लेकिन इस थेरी में ये सपोज किया हुआ है कि देर इज़ नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चाहे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ठीक ठाक फेस करनी पड़ रही हो प्रोड्यूसर को लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उस चीज़ की जो कॉस्ट है उसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी इसी तरह किसी किस्म का कोई टैरिफ नहीं है टैरिफ से मुराद कस्टम ड्यूटी इम्पोर्ट टैक्स होती है कोटा होता है तो और इस तरह की कोई पाबंदियाँ नहीं हैं और और अदर एफ्रैक्शनस और और भी कोई एक्सपोर्ट सब्सिडी या टैरिफ लाइक -like कोई रिस्ट्रिक्शनज हैं वो नहीं हैं बल्कि इंटरनेशनली जो है फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है और कोई मुलक जो है वो दूसरे मुल्क से आने वाली चीज़ों के ऊपर टैरिफ कोटा या और कोई पाबंदी जो है वो इम्पोज नहीं करता नंबर टेंथ है ऑल रिसोर्स आर फुली एम्प्लॉयड इन बोथ नेशंस। दोनों कंट्रीज में जो रिसोर्स हैं जो भी खुदा ने उनको रिसोर्स दिए हुए हैं अगर एक मुल्क को में लेबर अबंडेंस है यानी लेबर वाफर मकदार में है और दूसरे मुल्क में कैपिटल इन अबंडेंस है कैपिटल वाफर मकदार में है तो वो इन रिसोर्स को फुली यूटिलाइज़ कर रहे हैं एक मुल्क में लेबर ज़्यादा है तो वो तो डेफ़िनेटली उसको फुली यूटिलाइज़ करेगी और उस मुल्क में कैपिटल भी है लेकिन थोड़ा है तो उसको भी वो भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ करेगी प्रैक्टिकली uh, अगर देखा जाए तो लाजमी नहीं है कि हर मुल्क जो है वो रिसोर्स को फुली यूटिलाइज़ कर रहा हो अक्सर ममालिक में नेचुरली रिसोर्स पाए जाते हैं ओके लेकिन वो मुल्क जो है उन रिसोर्स को फुली यूटिलाइज़ नहीं कर रहा होता बेकार पड़े होते हैं लेकिन यहाँ पे हमने ये सपोज किया हुआ है कि दोनों कंट्रीज स्पोस, दो कंट्री सपोज़ किए हुए हैं और उन कंट्रीज में जो भी रिसोर्स हैं उनको जो है वो दोनों नेशन फुली यूटिलाइज कर रही हैं अलेवेंथ और लास्ट असम्पन है इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन टू नेशंस इज़ बैलेंस्ड जी ये भी एक टेक्निकल असम्पन है इससे मुराद ये है कि दोनों ममालिक जो हैं वो एक मुल्क कैपिटल इंटेंसिव गुड बनाती है और एक्सपोर्ट करती है और लेबर इंटेंसिव गुड इंपोर्ट करती है दूसरा मुल्क जो है दूसरी नेशन जो है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड, गुड बनाती है और एक्सपोर्ट करती है और लेबर इंटेंसिव गुड इंपोर्ट करती है तो दोनों नेशनस जो हैं एक नेशन दूसरी नेशन को जितनी जो है एक्स गुड इम्पोर्ट करेगी उतनी ही उससे इम्पोर्ट करेगी इन वैल्यू टर्म्स सपोज़ कि एक नेशन जो है वो एक्स गुड दूसरी नेशन को एक बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करती है तो उससे जो है वो एक बिलियन डॉलर की ही उससे जो है वो वाई गुड इम्पोर्ट करेगी ऐसा नहीं होगा कि किसी साल एक नेशन जो है वो एक चीज़ दूसरे मुल्क को एक बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर ले और उससे जो है उस साल पचास करोड़ डॉलर्स की वाई गुड जो है वो इम्पोर्ट कर ले ऐसा नहीं है तो जो ट्रेड बैलेंस है वो दोनों ममालिक में होगा ये तो थी इसकी ग्यारह असम्शन आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट